चेन्नई का कमाल पॉइंट्स टेबल में हुआ बवाल। आखिर चेन्नई ने क्या किया कि पूरा का पूरा पॉइंट्स टेबल ही बदल गया, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना जरूरी है। दरअसल आईपीएल 2023 का 33वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवेन कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी पहले 45 गेंद पर 71 रन की साझेदारी कर चेन्नई के इरादे जाहिर कर दिए। ऋतुराज गायकवाड़ 35 और डेवेन कॉनवे 56 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इस मैच में असली तूफान अजिंक रहाणे और शिवम दुबे के बल्ले से आया। अजिंक रहाणे मात्र 29 गेंद पर 6 चौके और 5 छक्के की मदद से 71 रन बनाकर अंत तक नवाज रहे। वहीं शिवम दुबे मात्र 21 गेंद पर 5 छक्के की मदद से 50 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अंत में रविंद्र जडेजा ने 8 गेंद पर 18 रन की पारी खेली। इन सभी के शानदार बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मैच में निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मैच को जीतने के लिए 236 रन का कठिन लक्ष्य मिला। जब केकेआर की टीम इस लक्ष्य को हासिल करने उतरी तो तेजी से रन बनाने के चक्कर में केकेआर की टीम 1 रन के स्कोर पर ही अपने दोनों ओपनर बल्लेबाज को खो दिया। उसके बाद जेसन राय और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी कर कोलकाता नाइट राइडर्स को लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वे कोलकाता को इस मैच में जीत नहीं दिला पाए। कोलकाता की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 186 रन ही बना सकी। चेन्नई की टीम इस मैच को 49 रन से जीतकर अब पॉइंट टेबल में राजस्थान रॉयल्स की बादशाहत को समाप्त कर दिया है। पिछले कई दिनों से पॉइंट टेबल में राजस्थान की टीम नंबर 1 बनी हुई थी, लेकिन चेन्नई की इस जीत के साथ ही अब राजस्थान टीम से नंबर 1 का ताज छिन गया। अब पॉइंट टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 10 अंक लेकर नंबर 1 बन गई है, तो वहीं राजस्थान की टीम दूसरे स्थान पर आ गई और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम तीसरे स्थान पर आ चुकी है, जबकि गुजरात की टीम चौथे स्थान पर कायम है। बाकी टीमों के पोजीशन में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है।